ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की सख्ती आम लोगों पर भारी पड़ रही है। बस और मेट्रो में यात्री क्षमता 50% करने के बाद लंबी लंबी कतारें नजर आई। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने सख्ती तो जरूर बढ़ा दी, लेकिन आम लोगों को इसका किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। दिल्ली में कोरोना का येलो अलर्ट लागू होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्या बस क्या मेट्रो यात्री, हर कोई परेशान नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर एंट्री करने के लिए 500 मीटर तक कतार लगी हुई है। हम कितनी देर से हमारा सांस फूल, हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और इतनी बड़ी लाइन में थके हम। अगर करना ही था कल के बात करें तो लगभग 300 के अप्रोक्स केसेस कल आए हैं। गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना परेशानी हो रहा है। राजधानी में बसें भी 50% क्षमता के साथ चल रही हैं। स्टॉप पर यात्रियों की कतार लगी हुई है। बस में सफर करने वाले यात्रियों को भी घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना की पिछली दो लहरों के दौरान ही दिल्ली वासियों को इसी तरह मुसीबत का सामना करना पड़ा था। इस बार भी दिल्ली मेट्रो और बस सेवा 50% क्षमता के साथ चल रही है। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर भी मनाही है। और दिल्ली सरकार का कहना है कि पाबंदी बढ़ाने से ओमिक्रॉन संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है। लगातार जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से पाबंदियां लगाई गई हैं। मेट्रो और बस में 50% की क्षमता के साथ ही आज चलेंगी। इस वजह से देखेंगे लंबी लाइन है। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखा रही, ये देखिए बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लाइनों में आधा एक घंटे खड़े रहते हैं तब जाकर मेट्रो में जा पा रहे, क्योंकि ऑफिस तो खुले हुए हैं। इस वजह से लाइन लंबी लग रही है। लोगों को मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए मेट्रो में अंदर बैठने से पहले लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, इतनी लंबी लाइन है, लोग बहुत ज़्यादा। और बताइए कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। It has been about 20 odd minutes. We are in the queue and we are still walking. तो लंबी लाइन लग रही, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप? दिक्कत हो ही रही है मैडम, और दिक्कत के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि पहले हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, उसके बाद हम बिना मास्क घूमते हैं, जैसे लोगों को देखा ही होगा आपने, पार्टियां करते हैं, घूमते फिरते हैं, उसी का नतीजा है ये इनकन्वीनियंस है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।